स्कूल ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज भारत के इंदौर शहर में स्थित है, जो कि प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है। पूरा विश्व आज जहां दो बड़े संकट से जूझ रहा है, एनर्जी शॉर्टेज और पॉल्यूशन, इससे उभरने के लिए आज एनर्जी एंड एनवायरमेंट की फील्ड में एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स की जरूरत है। वहीं सीज अपने यूनिक कोर्स एमटेक इन एनर्जी मैनेजमेंट एंड एमफिल इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट, जो कि एनर्जी और एनवायरमेंट दोनों ही विषयों के अहम पहलुओं को समाहित करते हुए भारत और पूरे विश्व को सक्षम इंजीनियर और रिसर्च स्कॉलर्स दे रहा है। इतिहास हमेशा से अपना अलग महत्व रखता रहा है, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए प्रोत्साहन का केंद्र रहा है। तो आइए रूबरू होते हैं हमारे सीज के इतिहास से। सन 1988 में डीएवीवी यूनिवर्सिटी में केवल 8 कोर्सेज हुआ करते थे और एक लाइब्रेरी। उस समय फैकल्टीज की कुल संख्या लगभग 42 थी। हर कठिन रास्ते को पूरा करने के लिए एक अच्छे सारथी की जरूरत होती है। वैसे ही 1988 में डीएवीवी यूनिवर्सिटी से एक महान साइंटिस्ट और दूरदृष्टिता रखने वाले लीडर जुड़े, डॉक्टर एमएस सोढ़ा, जिन्होंने एज ए वाइस चांसलर अपना कार्यभार संभाला। इससे पहले महानुभव आईआईटी दिल्ली के डेप्यूटी डायरेक्टर पद पर कार्यरत थे। डॉक्टर सोढ़ा की टीम ने यूनिवर्सिटी की उन्नति के लिए कई कोर्सेज के प्रपोजल बनाए। अपनी दूरदृष्टिता से आने वाले सालों में एनर्जी के महत्व को जानते हुए 1990 में एनर्जी डिपार्टमेंट की नींव रखी। इस विभाग की स्थापना सन 1990 में स्कूल ऑफ एनर्जी के नाम से हुई और पहला बैच एमटेक इन एनर्जी मैनेजमेंट के लिए आया, जिसमें अधिकतर स्टूडेंट इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स थे। इंस्टीट्यूट में यह कोर्स सफलतापूर्वक आगे बढ़ता रहा, साथ ही एनर्जी मार्केट को फोकस करते हुए सिलेबस भी अपडेट होता गया, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी मॉडलिंग विद एक्शन प्लानिंग पर खासा ध्यान दिया गया। ऐसे ही प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हुए प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव को ध्यान में रखकर एक इनोवेटिव स्टेप लिया, जिसमें एक नया कोर्स एमफिल 1997 में शुरू हुआ और एमटेक के कोर्स में भी एनवायरनमेंट को इंक्लूड करते हुए सीज इस कोर्स को ऑफर करने वाला भारत का पहला इंस्टीट्यूट बन गया, जहां इस डिपार्टमेंट की शुरुआत एक लाइब्रेरी बिल्डिंग से हुई। वहीं आज सीज वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज और एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण प्रसिद्ध है, जिसमें सोलर पावर, इवेपोरेटिव कूलिंग टावर और साउथ फेसिंग बिल्डिंग का परिपूर्ण रूप से इस्तेमाल हुआ है। सीज के अनुभवी शिक्षकों ने न केवल किताबी ज्ञान बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज को ध्यान में रखते हुए 3-वे टीचिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसमें ब्लैक बोर्ड एंड प्रेजेंटेशन टीचिंग, फील्ड विजिट्स ऑन रियल सिस्टम अ पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड स्मॉल मूवीज ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट का सराहनीय तौर पर प्रयोग किया, जो स्टूडेंट को बेहतर जॉब और रिसर्च के लिए तैयार कर रहा है। डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी आज 5000 से ज्यादा किताबों वाली और वीडियो लाइब्रेरी के रूप में उभरी है। सीज भारत की कई सक्षम ऑर्गेनाइजेशन का निपुण रूप से साथ दे रहा है और कई R&D प्रोजेक्ट्स पर कार्य हो रहा है, जिसमें CESR सेंटर ऑफ एनर्जी स्टडीज एंड रिसर्च, बायोगैस डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर, रीजनल टेस्ट सेंटर कम टेक्निकल बैकअप यूनिट फॉर सोलर थर्मल डिवाइसेस, वन ऑफ द 6 यूनिट इन द कंट्री एस्टेब्लिश्ड बाय MNRE, सोलर रेडिएशन एंड मीटियोरोलॉजिकल डाटा मेजरमेंट फैसिलिटी, टेक्निकल बैकअप यूनिट फॉर नेशनल प्रोग्राम ऑफ इम्प्रूव्ड चूल्हास।
जैसे कि हर हीरे के पीछे एक जौहरी का हाथ होता है, वैसे ही इस हीरों की खान के शुरुआती जौहरी डॉक्टर सत्येंद्र पाल सिंह, डॉक्टर रामेश्वर लाल सानी और धर्मबुद्धि सर थे, जिनके लगातार प्रयत्न, समर्पण और लगन से आज सीज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रगति के इस पथ पर अनुभवी शिक्षक जुड़ते गए और आज सीज के साथ कुल 4 शिक्षक हैं। डॉक्टर एसपी सिंह सर, द एचओडी ऑफ सीज, डॉक्टर रुबीना चौधरी मैम, डॉक्टर आरएन सिंह सर और मिस्टर नरोत्तम बरोनिया। अब मैं जिस व्यक्तित्व से आपका परिचय करवा रहा हूँ, वे अपने कार्य के प्रति अत्यधिक जुझारू एवं समर्पित हैं। वे जो काम ठान लेती हैं, उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। वे हैं डॉक्टर रुबीना चौधरी मैम। इनकी पृष्ठभूमि जल और पर्यावरण है, पर इनका कार्य क्षेत्र सीमित नहीं है और छात्रों की हर संभव मदद के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। जिस वक्त मेरा यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ था, उस वक्त हम लोग यहाँ पर 4 लोग मौजूद थे और 4 लोगों में प्रोफेसर आर एन साहनी, प्रोफेसर एस पी सिंह, धर्मबुद्धि सर और मैं। वो लम्हा मेरे लिए बहुत खुशी का था जब मैंने इन 4 लोगों के साथ ज्वाइन किया था। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इस डिपार्टमेंट को एक मंदिर और घर की तरह बनाया है और वो जो इमेजिनेशन रही है, वो आज तक हम उसी इमेजिनेशन में चल रहे हैं। सीस के जो न्यू कमर्स स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि जब वो सीस में दाखिल हों तो दाखिला लेने से ज़्यादा वो एक ओथ लें कि हमें इस इंस्टीट्यूट को आगे की ओर लेके चलना है। अब हमारे बीच हैं डॉक्टर आरएन सिंह सर, जो कि इसी डिपार्टमेंट से पीएचडी होल्डर हैं और सीज के प्रगति पथ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। चूंकि इनकी पृष्ठभूमि कृषि से संबंधित है, पर इनका विशेष रुझान बायोमास और इससे उत्पन्न ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक है। इन्होंने इस क्षेत्र में कई प्रोजेक्ट पूर्ण किए हैं। आइए वाकिफ होते हैं डॉक्टर आर एन सिंह सर से। आई सिंपली वांट टू टेल यू, प्लीज डू नॉट फॉलो द शॉर्टकट, इट मे गिव यू द वन टाइम सक्सेस, बट इफ यू वांट टू हैव द लाइफ टाइम अचीवमेंट, यू हैव टू हैव वर्क हार्ड, मोर वर्क, यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एज वेल एज सीनियर्स, बट एट द सेम टाइम यू शुड नॉट फियर देम। एज फार एज दिस इज कंसर्न्स, यू हैव वेरी यूनिक कोर्स। It is up to you how much you can get from the department. But here I found that you have very pleasant working experience. Moreover, that you are faculty members are very, very cooperative. अब मैं जिससे आपका परिचय करवा रहा हूँ, एक व्यक्तित्व, एक दृष्टिकोण, एक विचार, एक सीख, अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है हमारे डॉक्टर एसपी सिंह सर। सीस की वर्तमान भव्यता इनके अथक परिश्रमों का प्रमाण है। इनका कार्य क्षेत्र सीमित नहीं है, किसी भी क्षेत्र से संबंधित चाहे कोई भी विषय हो, इनकी पूर्ण दक्षता है। इनके इनोवेटिव आइडियाज का कोई तोड़ नहीं है। तो आइए उनके विचारों से रूबरू होते हैं। द डिपार्टमेंट वाज स्टार्टेड इन 1990। द मिशन वाज टू डेवलप द वर्ल्ड क्लास मैन पावर इन द फील्ड ऑफ एनर्जी एंड रिलेटेड इश्यूज ऑफ एनवायरमेंट। In Madhya Pradesh, this was the first institution which was started to cater the needs of the country as well as of the whole world. The M.Tech course was also started in distance mode to meet the requirements. From the last 22 years, they are getting 100% jobs very easily without any much competition, as well as they are taken directly from our institute.
So that is one indicator of the success of the our students. They are working worldwide and hope that they will do much better in future. यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सीस का उदय एक विचारधारा, दृष्टिकोण और दूरदृष्टिता को चरितार्थ करता है। सीस ने इस विकास पथ पर कई माइलस्टोन स्थापित किए हैं और इसी तरह करता रहेगा। यूं तो शिक्षा और शिक्षकों के ऋण को चुका पाना संभव नहीं है, यह एक कोशिश है सीस और शिक्षकों के प्रति श्रद्धा और आभार व्यक्त करने की। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साहिल की तलाश में खो न देना खुद को, बेशक आजमाइश चलने दे मंजिल की, तेरी चाहत रंग लाएगी।